हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टेक बाइट में। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा हाउ टू रिसेट योर विंडोज पासवर्ड विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। जी हाँ, हम अपने विंडोज के पासवर्ड को बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से रिसेट कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कई बार हमसे बाय मिस्टेक हम अपने विंडोज के पासवर्ड को भूल जाते हैं, जिस वजह से हम अपने सिस्टम पर लॉग इन नहीं कर पाते। तो हमें क्या करना होता है इस केस में, हमें या तो थर्ड पार्टी टूल का यूज करना होता है पासवर्ड को ब्रेक करने के लिए, या तो हम क्या करते हैं अपने सिस्टम को फॉर्मेट करते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि हम एक बिना किसी सॉफ्टवेयर की मदद से विंडोज के पासवर्ड को कैसे रिसेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सिस्टम के पीछे जो ये पावर केबल है, इसको आपको अनप्लग करना है। उसके बाद आपको दोबारा प्लग करके आपको सिस्टम को रिस्टार्ट करना है। जब सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे तो आपके पास ये दो ऑप्शन आएगा, लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर एंड स्टार्ट विंडोज नॉर्मली। आपको फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना है, लॉन्च स्टार्टअप रिपेयर के साथ। ध्यान रहे कि आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता है तो आपको सिस्टम के, जो मैंने भी आपको बताया कि पावर प्लग को डायरेक्टली आपको 2-3-4 बार निकालना पड़ सकता है, कई बार एक बार में आ जाता है। तो अगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको एक दो बार इसको करना है। जैसे ऑप्शन आएगा तो आपको फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना है। देन इसके बाद आपके पास ये स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन में आपको 5 से 10 मिनट का टाइम लगता है। 5 से 10 मिनट का टाइम लेने के बाद, ये तो हो सकता है इससे कुछ ज्यादा भी लग सकता है, जब ये स्क्रीन कंप्लीट होगी तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्क्रीन आती है वो हमारे पास आती है रिस्टोर एंड कैंसिल। आपको यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करना है। ध्यान रहे हमें कैंसिल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन ये ऑप्शन आती है टेम्पटिंग रिपेयर का। इसमें भी आपका 5 से 2 मिनट टाइम लगता है, या हो सकता है इससे कुछ टाइम ज्यादा लग सकता है। इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्क्रीन आती है वो आती है हमारी ये वाली ऑप्शन, जिसमें आपके दो ऑप्शन देख रहे हैं, सेंड इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम एक ही ऑप्शन है, दूसरा है डोंट सेंड। आपको दोनों में से किसी ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है व्यू प्रॉब्लम डिटेल पे। इसको एक्सपेंड जब आप करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन है इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगी, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रोल डाउन करना है। स्क्रोल डाउन करने के बाद आपके पास एक लिंक होगा, इस लिंक के साथ जाना है। ध्यान रहे जो लास्ट में जो .txt फॉर्मेट है इसके साथ जाना है। इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक नोटपैड की फाइल ओपन होगी। नोटपैड की फाइल के अंदर जब ओपन होती है आपको सबसे पहले फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट जो जाना है उसको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद आपके पास माय कंप्यूटर का ऑप्शन आएगा, आपको माय कंप्यूटर पे जाना है। उसके बाद आपको उसके सी ड्राइव में जाना है। देन आपको जाना है विंडोज के फोल्डर के अंदर। विंडोज के फोल्डर के अंदर आपको सिस्टम 32 का फोल्डर मिलेगा, आपको इसके अंदर जाना है। और इसके अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं मैंने ओपन किया हुआ है, इसके अंदर मैं कंप्यूटर के अंदर गया, यहाँ पे आपके पास ड्राइव्स आ जाएगी। आप सी ड्राइव में जाएंगे, विंडोज में जाएंगे, सिस्टम 32 फोल्डर के अंदर जाएंगे। जब आप यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे ऑल फाइल सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे आपको ऑल फाइल सेलेक्ट करना है। जब आप ऑल फाइल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास इसमें सारी फाइलें आपकी जितने भी हो शो होंगी। आपको सिर्फ दो फाइलों के ऊपर कुछ चेंजेस करना है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपको यू टाइप करना है। जैसे आप यू टाइप करेंगे तो आप यू की सीरीज में आ जाएंगे। यहाँ पे आपको एक फाइल ढूंढनी है यूटिल मैन। ध्यान रहे इस यूटिल मैन को आपको रीनेम करना है। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे। देन राइट क्लिक करने के बाद आप रीनेम करेंगे। रीनेम करके जो आपको जो नाम देना है वो देना है Utilman 1, 2, 3, कुछ भी दे दीजिए। मीन्स आपको Utilman को रीनेम करना है। Utilman 1, 2, 3 कुछ भी देके कर सकते हैं आप। इसके बाद आपको दूसरी जो फाइल ढूंढनी है वो ढूंढनी है आपको CMD। ध्यान रहे यहाँ पे CMD का एक फाइल है। इस फाइल को आपको कॉपी करना है। राइट क्लिक करके कॉपी पे क्लिक करेंगे और यहीं पे आपको उसको पेस्ट करना है। ध्यान रहे कॉपी करके पेस्ट करना है। जब आप इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे फिर आपकी जो फाइल बनेगी पेस्ट वाली, उस फाइल को रीनेम करना है। राइट क्लिक करके रीनेम करना है, उसको करना है Utilman के थ्रू। ध्यान दें जो ये वाली जो फाइल है हमारी Utilman वाली, इसको करना है Utilman 1। और इस कमांड प्रॉम्प्ट को कॉपी करके, इसको कॉपी नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ कॉपी करना है कमांड प्रॉम्प्ट को। तो कमांड को आप कॉपी करेंगे, इस एप्लीकेशन को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इसका नाम Utilman, जो कि ये नाम जो है ये क्यों देते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, जब अभी हमारे अभी इसी में ही आपको आगे पता लगेगा कि ये हम क्यों कर रहे हैं। तो आपको Utilman, आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट की जो कॉपी करके बनाएंगे उसको देना है। देने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगी ये आएगी, मतलब
एंटर करने के बाद आप इसको, जब से आपकी दोनों फाइलें रिनेम हो जाएगी उसके बाद आपको कैंसिल पे क्लिक करना है। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन होती है, इसमें आपको डोंट सेंड पे क्लिक करना है। ठीक है, डोंट सेंड पे क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन आएगा, फिनिश एंड कैंसिल। आपको कैंसिल के साथ जाना है, कैंसिल पे क्लिक करना है। कैंसिल पे क्लिक करने के बाद आपका सिस्टम यस के लिए पूछेगा, आपको पूछेगा आपको यस रिस्टार्ट करना है नहीं करना, आपको यस करना है। यस करने के बाद आपके पास ये सिस्टम आपका रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट करने के बाद आपके पास ये स्क्रीन आती है। ये स्क्रीन आने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए ये जो आइकन है वो यूटिल मैन वाला ही आइकन है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपके पास इसमें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड और समथिंग और तीन चार यूटिलिटीज आपके अंदर इसमें शो होती हैं। लेकिन हमने क्या किया कि आप यूटिल मैन को हमने रीनेम कर दिया कमांड प्रॉम्प्ट के साथ। तो अभी आपको क्या करना है, इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन आएगी, यानी इस पे क्लिक करने के बाद आपकी ये स्क्रीन आती है। इस स्क्रीन के आने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कमांड टाइप करना होगा। तो चलिए देखते हैं हमें क्या कमांड टाइप करना होगा जिससे कि हमारा ये पासवर्ड रिसेट हो जाए। तो जब आपको ये कमांड प्रॉम्प्ट स्क्रीन आता है तो आपको क्या चीज टाइप करनी है, यहाँ पे आपको एक कमांड टाइप करनी है, NET नेट स्पेस USER यूजर। देन उसके बाद स्पेस देके आपको अपने यूजर का नाम लिखना है। अगर आपको यूजर का नाम नहीं पता है तो आप यहाँ पे जस्ट एंटर कीजिए तो आपके इस सिस्टम पे जितने भी यूजर्स बने होंगे वो आपको ही शो होगा। जैसे कि मेरा देखिए एडमिन है, एक यूजर है, एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक बाय डिफॉल्ट गेस्ट अकाउंट होता है आपका वो भी है, नयन। मैं चाहता हूँ कि जो मेरा एडमिन का पासवर्ड है मुझे ये, मेरे पास एक ही अकाउंट है एडमिन का मान लीजिए, तो मैं सिर्फ इस एडमिन का पासवर्ड ही रिसेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, NET स्पेस USER यूजर, उसके बाद इस एडमिन यूजर का नाम ADMIN। मान लीजिए कि मेरे यहाँ पे अगर ये यूजर ना हो के कुछ ऐसे यूजर होता कि जैसे रवि सिंह होता मेरे यूजर का नाम, तो मैं कैसे टाइप करता, कॉलन RAVI रवि स्पेस SINGH। ये इन्वर्टेड कॉमा आपको लगाना जरूरी है अगर आपका स्पेस के साथ आपका यूजर नेम है तो। अगर आपका स्पेस के साथ नहीं है तो आप जस्ट इसको ऐसे टाइप कर दीजिए, रवि है तो रवि जो भी नाम है, तो नेट देन उसके बाद यूजर, उसके बाद आपके यूजर का नाम, देन स्पेस देके आप यहाँ पे डायरेक्ट पासवर्ड टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं टाइप करना चाहता हूँ ABCD @1234, तो ये मेरा पासवर्ड सेट हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे ना देना चाहता हूँ कि मुझे ऐसे देना है, तो मैं अगर स्टार करके एंटर करूँ तो ये सब प्रॉम्प्ट करेगा कि टाइप या पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे ABCD @1234 एंटर, ABCD @1234 ये मेरा पासवर्ड। अब देख सकते हैं कि द कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यानी आपका जो एडमिन का पासवर्ड है वो रिसेट हो गया है। तो आज हमने देखा कि हम किस तरीके से हम अपने सिस्टम के पासवर्ड को रिसेट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू। आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।